बबूल का बीज बोने पर कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। शनि सिखाते हैं कि छल करना स्वयं के लिए घातक है। जो व्यक्ति छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पांव में चुभ जाता है। शनि, तुमने देवलोक में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी का परिचय अब तुम्हें मनुष्य लोक में देना होगा और इस कर्तव्य को प्रारंभ करने के लिए तुम्हें जाना होगा एक महान राजा के पास। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। महाराजा हरिश्चंद्र की, रानी तारामती की। महाराजा हरिश्चंद्र की, रानी तारामती की। धैर्य रखो तारामती, स्वयं पर नियंत्रण रखो तारामती। यदि मन में चिंता हो तो मुख पर व्यथा आ ही जाती है। आर्य, आज मैं अपनी सारी प्रजा को धन्यवाद देता कि आप सब मेरे पुत्र और अपने भावी राजा युवराज रोहिताश्व को उनके 12वें जन्म दिवस की बधाई देने यहाँ उपस्थित हैं। युवराज रोहिताश्व की, युवराज रोहिताश्व की, युवराज रोहिताश्व की। और इस उपलक्ष में एक महापूजा का आयोजन रखा गया है, जहाँ निर्धनों को भोजन और दान दिया जाएगा। सारी प्रजा महाभोज में भाग लेगी। युवराज रोहिताश्व की, युवराज का जन्म उत्सव पे मैं भी भाग लेने के लिए इच्छुक हूं राजन। विश्वमित्र की ओर से बधाई स्वीकार करें। चिंतित ना हो तारामती, चाहे कुछ भी हो मैं अपने पुत्र की रक्षा करूंगा। मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। आपके आगमन से ये सभा धन्य हुई महर्षि। यदि आप मुझे पहले सूचित कर देते तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करते राजन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। स्मरण है आपको राजन, 13 वर्ष पूर्व जब आप संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल थे तब वरुण देव ने आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और बदले में आपने उन्हें वचन दिया था कि जैसे ही आपका पुत्र 12 वर्ष का होगा आप उसे उन्हें सौंप देंगे। और आपको यह भी स्मरण होगा कि उस समय मैं वहां उपस्थित था। स्मरण है महर्षि। तो आज वो वचन पूर्ण करने का समय आ गया है राजन, इसलिए मैं ऋषि विश्वामित्र वरुण देव की अनुमति से आपके वचनानुसार आपका पुत्र रोहिताश्व मांगता हूं। मुखमंडल की रेखाएं कुछ और कह रही हैं राजन। यह मत भूलिए कि आप सूर्यवंशी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना तो आप अपने वचन को तोड़ेंगे और ना ही अपने कुल की मान मर्यादा और उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएंगे। आप वचन भंग नहीं करेंगे राजन। महाराज ने कभी वचन का भंग नहीं किया।
परंतु कुमार रोहिताश्व तो हमारे युवराज हैं, हमारे भविष्य के राजा हैं, उन्हें लेकर मत जाइए। मत ले जाइए, मत ले जाइए, युवराज रोहिताश्व मत ले जाइए। यदि जो अपने वचन से पीछे हट जाए वो मनुष्य नहीं। आज एक पिता होने के नाते यदि मैं राजा का दिया वचन भंग कर दूं, तो क्या कल आप सब लोगों के मन में शंका नहीं उठेगी कि मैं अपनी प्रजा के लिए अपने धर्म का पालन भी करूंगा या नहीं? क्या ऐसे राजा को आप राजा स्वीकार करेंगे? मैंने आपको वचन दिया था महर्षि, और वो वचन अवश्य पूर्ण होगा। मेरे पुत्र को अपने साथ ले जा सकते हैं महर्षि। पुत्र, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। यही रहना, इस कक्ष के बाहर मत आना। आपने अपने कुल की कीर्ति और भी बढ़ा दी है राजन। मैं प्रसन्न हुआ कि आपने अपना वचन निभाया। चलो पुत्र, दोनों स्त्री और पुरुष कौन है जो इस बालक को देखे जा रहे हैं? और रानी तारामती बार बार बहन को क्यों देख रही? जैसा दिख रहा है
परिस्थिति उससे कहीं भिन्न है। मुझे ये रहस्य जानना होगा। डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अपना परिचय दो। मैं युवराज रोहित अश्व महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र। अब समझ आया, वो बालक राजा हरिश्चंद्र की संतान नहीं थी। हरिश्चंद्र की योजना थी कि रोहित अश्व के स्थान पर किसी और को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया जाए।